हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शर, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आपके 31st वीक ऑफ प्रेगनेंसी को लेकर। 31st वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एक स्पेशल स्कैन होता है जिसे हम कलर डॉपलर स्कैन या ग्रोथ स्कैन कहते हैं। कई बार ये स्कैन हम 28 वीक्स पर भी कराते हैं, पर अगर जिन मदर्स को प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है या 28 वीक्स के बाद डॉक्टर को किसी भी तरह की कोई शंका होती है तो वो 31 से 32 वीक्स के बीच में एक ग्रोथ स्कैन कराते हैं। 31 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपका जो बेबी है उसका लेंथ अराउंड 41 टू 42 सेंटीमीटर जितना होगा। बेबी का जो वेट है 1.3 टू 1.5 के करीब हो जाएगा। बेबी के सारे ऑर्गन्स डेवलपमेंट, जैसे मैंने 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बताया था, उसी स्पीड पे आगे बढ़ रहे हैं। बेबी के ब्रेन्स, आईज, नोज, माउथ, उसका बेबी का जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उन सब का फंक्शनिंग अब बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाता है। 31 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से कई बार मदर्स कंप्लेन करती है कि उनको डिलीवरी का दर्द हो, वैसी कोई अटपटी सी चीज़ होना शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नाम सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बट ये बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाती है, जिसे हम फॉल्स लेबर पेन या डिलीवरी का नकली डिलीवरी का दर्द भी कह सकते हैं। ये जो होता है वो कई बार मदर्स को फील होता है कि उनका जो पेट है वो 30 टू 40 सेकेंड्स के लिए एकदम से कड़क हो जाता है और फिर अपने आप वो रिलैक्स हो जाता है। हालांकि इस दरमियान उनको किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता। कई बार ये दर्द होता भी है तो बहुत ही लाइट होता है, जो एक छोटे सा डिस्कम्फर्ट की तरह मदर्स फील करती है, और ये अपने आप आता है, अपने आप चले जाता है। कई बार दिन के किसी भी टाइम पे शुरू हो जाता है, अपने आप मिट जाता है। कई बार रात को होना शुरू होता है, अपने आप मिट जाता है। अक्सर ये जो ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन है वो बेबी के मम्मी के यूट्रस की दीवार को धक्का मारने की वजह से होते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली में यूट्रस बेबी के डिलीवरी के वक्त अपने आप को कैसे बिहेव करना, उसकी प्रिपरेशन के रूप में होता है। इस दर्द को लेके ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको ये दर्द की इंटेंसिटी यानी इसकी जो तीव्रता है वो अगर बढ़ती जा रही है या हर 10-10 मिनट में आ रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर्स को ज़रूर से जाके क्लिनिकल विजिट कीजिए, उनको दिखाएं, ताकि उन्हें पता चलेगा कि ये डिलीवरी का प्रीटर्म डिलीवरी का दर्द तो नहीं है। हो सकता है अगर आपको प्रीटर्म डिलीवरी का पेन हो और आपको नीचे से मुख ना खुला हो, तो आपको आइसोक्सुप्रीम जैसी किसी दवाइयों का, जो भी वो उनको सही लगे, जो भी आपके कंसल्टेंट डॉक्टर को सही लगे, उन दवाइयों की टैबलेट्स दी जाएंगी या फिर आपको इंजेक्शन दिए जाएंगे या आपको पाइंट चढ़ाया जाएगा, ताकि आपकी डिलीवरी को हम हो सके उतना 34 वीक्स तक खींच सकें। किसी भी डॉक्टर का प्रीटर्म डिलीवरी को लेके एक ही इंटेंशन होता है कि अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो अंदर, माँ के गर्भ के अंदर, तो हो सकता है ये प्रेगनेंसी को हम 34 वीक्स तक खींच ले, ताकि बेबी का लंग्स का डेवलपमेंट हो जाए। एक बार बेबी का लंग्स का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो वैसे केसेस में हम बेबी को आगे इंडिपेंडेंट वे में वो अपने ही बलबूते पे सर्वाइव कर सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि बेबी को जितना हो सके उतना NICU में ना रहना पड़े, या NICU में अगर बेबी एडमिट भी हो तो जल्दी से अच्छे होके बाहर हो जाए। तो प्रीटर्म लेबर पेन्स को हमेशा इस लेवल पे अपने आप ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आपको आपका दर्द समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके क्लिनिकल विजिट कीजिए, उनको दिखाइए और जैसे वो कहते हैं उसके निर्देशानुसार काम कीजिए। इस टाइम आपको न्यूट्रिशन में भी बहुत ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन में, जैसे मैंने 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बताया, विटामिन ई, विटामिन सी एंड विटामिन B1, उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। ये अक्सर हमें लेग्यूम्स, विटामिन B1 जैसे हमें अंकुरित किए हुए अनाज में से मिलता है, वैसे विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का मेन सोर्स तो नॉन वेजिटेरियन डाइट है। तो अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको इसकी कमी नहीं होगी। नहीं तो कई बार हम अपने पेशेंट्स को जो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं उनको मल्टीविटामिंस की टैबलेट देते हैं, जिनमें ये सब एक रिक्वायर्ड अमाउंट में होता है। तो अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा वीकनेस हो रही है या फिर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपके पैरों में ज़्यादा दर्द हो रहा है या आपकी बॉडी पूरा दिन एक थकावट सी महसूस करती है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि शायद आपके बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है और उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं।
31st वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अक्सर आपको इस वीक से अच्छा पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यानी उतना ज़्यादा नहीं कि आपको डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाए, पर उतना ज़्यादा कि आपके अपने स्टेट को वो हाइड्रेटेड रख पाए। क्योंकि अब अगर आप अपना फ्लूइड इंटेक अच्छा नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपके बेबी के जो आजू बाजू जो तरल पदार्थ का आवरण है उसमें कमी हो, और ये जो तरल पदार्थ है वो बेबी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के दरमियान वो बेबी को एक कुशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो गर्भाशय में जब संकुचन आता होता है तो वो संकुचन को वो बेबी तक नहीं पहुंचने देते, उसको बेबी को अंदर से डिस्कम्फर्ट हो या बेबी को अंदर से ऐसी चीज़ हो जैसे उसका दम घुटना हो, ऐसी चीज़ों का वो अनुभव ना कर पाए और बेबी अपनी डिलीवरी को आराम से कंडक्ट कर पाए, उनकी उसके लिए ये तरल पदार्थ होते हैं। तो अब से आपको अपने लिक्विड डाइट का बहुत ही ध्यान रखना है। 31st वीक ऑफ प्रेगनेंसी से आपको फ्रूट जूसेस भी, लिक्विड डाइट, अपना पानी पीना, इन सब चीज़ों का एक टाइम शेड्यूल बना के उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको बीपी, डायबिटीज़ जैसी कोई भी बीमारी है तो रेगुलर मॉनिटरिंग करिए, क्योंकि अब कई किसी भी टाइम पे हो सकता है आपका बीपी अपने आप बढ़ जाए। अक्सर ऐसे केसेस रात के समय में देखे जाते हैं कि रात में सडन बीपी शूट अप होता है, तो कई बार अपने नज़दीक के डॉक्टर को दिखा के आप एटलीस्ट अपने बीपी मॉनिटरिंग का चार्ट मेंटेन कर सकते हैं कि ताकि अगर आपको बीपी की जो दवाइयाँ दी जा रही है उसका इफ़ेक्ट अच्छे से आ रहा है नहीं। अब के जो 10 वीक्स है वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस होते हैं, क्योंकि इन 10 वीक में हर एक छोटी से छोटी चीज़ का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। तो किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज न करते हुए अपनी 31st वीक ऑफ प्रेगनेंसी को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। एक्सरसाइज में जैसे मैंने आगे बताया कि गर्ल्स एक्सरसाइज, स्लो वॉकिंग, मेडिटेशन अब आने वाले 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक हमें चाहिए, और साथ में आपको जो ब्रैक्सटन हिक्स जो नकली डिलीवरी के दर्द होते हैं उस टाइम पर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर देनी, ताकि डिलीवरी के टाइम आपको किस हिसाब से ब्रीदिंग करना है वो आपको पता चल सके। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप किसी भी सेंटर पे अपने जो गर्भ संस्कार के क्लासेस आप अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से आपको सिखाया जा सकता है, या यूट्यूब पे उसकी वीडियोस अवेलेबल है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको शुरू कर देनी चाहिए। वुड बी डैडी को अपनी ममास के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए कि ताकि वो एक कंफर्ट महसूस करे, बिकॉज अब उनकी सिचुएशन बहुत वल्नरेबल होगी, ना वो अच्छे से खा पाएंगी, ना वो अच्छे से सो पाएंगी, और उस दरमियान होने वाले दर्द उनको और पूरे दिन में एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग, एक नॉट वेल बीइंग की फीलिंग देंगे, वो अपने आप को एक स्वस्थ नहीं महसूस करेंगी, और ऐसे केसेस में आपके साथ की और सपोर्ट की उन्हें बहुत ज़रूरत होती है। हैप्पी 31st वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हैप्पी मदरहुड।